हूँ इस टाइम त्यौहारों के दिन चल रहे हैं बहुत सारिया नकली खोआ मिठाइया इतने लगभग 200 के करीब जोड़े तीन है घ्यो के फड़े गए हैं नाल ही उन्होंने स्टिकर उन्होंने सील कर जोड़िया मशीन वह भी फड़िया गई हैं तो बनती ढुकमी कानूनी कार्रवाई की जाएगी ये जो बिजली बोर्ड जोड़ा है उसनों भी असी बेनती की है कि वह भी आपदा देख लैन कि बिजली के कानूनों की कोई उलंघना तो नहीं हो रही हम जो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी तो यह सारे तत्व भी उभर के सामने बाहर आ जाए। फरीदकोट तो वड्डी खबर सामने आ रही है जिथे नकली देसी घ्यो बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश होया। एक पासे जिथे दिवाली नेड़े आ रही है उत्थे ही ग्राहकों की चिंता भी बढ़ती जा रही है क्योंकि देसी घ्यो एक अजिही चीज़ है जो कि मिठाइया के विच वरत्या जाता है उसनू स्वाद बनाउण दे लई, पर विश्वास करना इन्ना ज़्यादा मुश्किल हो गया हरेक ग्राहक दे लई क्योंकि दुकानदारों के वलों नकली देसी घ्यो वरत्या जा रहा है जो कि हरेक की सेहत को खराब कर सकता है। सो फैक्ट्री से छापेमारी हुई है तो जिला सेहत विभाग के वलों मिलावटी समान वेचण अते बनाउण वालियां दे खिलाफ सख्ती दे नाल कार्रवाई की जा रही थी, चैकिंग की जा रही थी दुकानों की। तो उस दरमियान एक फैक्ट्री का पर्दाफाश फरीदकोट दे विच किया गया, वख वख थावां ते छापेमारी के दौरान सैंपल भी लिते गए थी। सूचना के आधार से जो सेहत विभाग की टीम नूं इस फैक्ट्री की जानकारी मिलती है तो उस वक्त टीम उत्थे छापेमारी के लिए पहुँच जाती है। नकली देसी घ्यो दे तकरीबन 200 टीन बरामद किए गए ने। इस तों अलावा होर टीम नूं की कुछ फैक्ट्री के अंदरों बरामद होया आओ सुनने अधिकारियों की जुबानी। जिस तरह की साडे मानयोग सेहत मंत्री जी हैगे है उन्होंने वालों बड़िया सख्त हदायतां हैगियां ते हुण इस टाइम त्यौहारों के दिन चल रहे हैं बहुत सारिया नकली खोआ मिठाइया जिन्हां दे विच कई बहुत सारिया रंगदार होंदियां उह पा के बेचा जांदा है ते लोगों की सेहत दे नाल खिलवाड़ किया जाता है। मानयोग डीसी साहब भी इस गल प्रति बहुत ही संवेदनशील हैगे आ ते उन्हां दी मैं बड़िया सख्त हदायतां ते सानू कुछ एक इनफॉर्मेशन सीगियां जिस दे संबंध विच अज साडी टीम ने जिदे मुखी जिहड़े साडे असिस्टेंट कमिश्नर फूड हैगे आ मनजिंदर सिंह जी साडे फूड सेफ्टी ऑफिसर है जिहड़ा उन्हां दा सपोर्ट स्टाफ है उन्होंने अज इत्थे रेड की है। उस रेड के जिहड़े साडे SMO साहब हैगे आ कोटकपूरा साडे ACS मैडम डॉक्टर मनदीप कौर और मानयोग SSP साहब का जिन्होंने बहुत ही प्रॉम्प्टली एक्ट करते हुए साडी इस टीम दे सिक्योरिटी वास्ते बहुत सोहनी ते एक सुदृढ़ पुलिस की टीम भेजी ते खुद DSP साहब जिहड़े हैगे आ इत्थे हाजिर है। इत्थे लगभग 200 के करीब जिहड़े टीन हैगे घ्यो दे फड़े गए है नाल उन्हां दे वखरे वखरे स्टिकर हैगे आ और नाल ही उन्हां स्टिकर उन्हां नूं सील करन दे जिहड़ियां मशीनां वह भी फड़िया गई हैं। इस दे संबंध में जो कानून अनुसार कार्रवाई हैगी है जो सैंपल लैने वो लिते जाणगे ते बनती ढुकमी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये जिहड़े प्रिमसिस हैगा इस प्रिमसिस नूं सील करते हुए इहदा जिहड़ा सारा समान इन्हां दीआं ट्रांसपोर्ट दीआं गड्डियां जिन्हां दे विच सप्लाई किए सीगे और साडे DSP साहब यह भी डिटेल लैके दे रहे हैं कि यह सप्लाई कितने कितने होया ताकि असीं उत्थों दे भी सैंपल लैके लोगों की जिहड़ी जान है उन्हां दे नाल जिहड़ा खिलवाड़ हो रहा असीं उस तों बचा सकीए। बिजली बोर्ड जिहड़ा हैगा उसनों भी असीं बेनती की है कि वह भी आपदा देख लैन कि कई बिजली के कानूनों की कोई उलंघना तो नहीं हो रही तो उस दे संबंध दे विच भी कार्रवाई की जानी बनती हैगी है। और मैं अपनी टीम नूं समुची पुलिस की टीम नूं साडे SMO साहब ACS मैडम ते जिहड़ी साडी फूड की टीम है उन्हां सारयां नूं वधाई दिंदा और मैं उन्हां नूं इस गल लई भी डायरेक्शन दिंदा कि अगांह तों भी आपदे जिहड़े इनफॉर्मेशन दे सैल है उन्हां नूं होर तरोताजा कर लैन। होर भी बहुत मैं पुर उम्मीद हाँ कि होर भी बहुत जगह होणगीआं जिथे काम हो रहे होणगे ते वह भी असी छेती ही असी उत्थे रेड करांगे। 2.5 साल तो यह फैक्ट्री चल रही है ते लेकिन जो मैनू अनधिकारित तौर पर इनफॉर्मेशन है शायद थोड़ा समा उस तो वध है जदों तो चल रही है हुण जदों पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी तो यह सारे तत्व भी उभर के सामने बाहर आ जाएंगे। फरीदकोट तो सुनील जिंदल के नाल चढ़दी कला टाइम TV ब्यूरो रिपोर्ट।